ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चौहान। सभी श्रोताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में फहराया तिरंगा। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की उषा बार्ले, डोमर सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। और परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण कल 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। परेड आज सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पुष्पांजलि के साथ प्रारंभ हुई। पहली बार 3 महिलाओं और 6 अग्निवीरों ने भी परेड में हिस्सा लिया। तटरक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली पुलिस, एनसीसी और एनएसएस की भी भागीदारी रही। पहली बार सीमा सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवारों ने परेड में सहभागिता की। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस इस अर्थ में विशेष है कि यह आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी 74वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उल्लास के माहौल में मनाया जा रहा है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में लयबद्ध और आकर्षक परेड का आयोजन किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा छत्तीसगढ़ के विकास को दर्शाते आकर्षक झांकियां भी प्रदर्शित की गई। स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति तथा छत्तीसगढ़ी गानों पर सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र की मजबूती ही जन जन की सफलता है। यह दिन देश में अपना संविधान लागू करने, इस संविधान के अनुसार देश का संचालन करने और आम जनता को विधि सम्मत शक्तियां तथा अधिकार संपन्न बनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में माओवादी गतिविधियां नियंत्रित हुई हैं और माओवादी गतिविधियां छोड़कर सामाजिक जीवन में लौटने लगे हैं। राज्यपाल ने समारोह के दौरान राज्य वीरता पुरस्कार के लिए चयनित बच्चों, केन्द्रीय और राज्य बलों की उत्कृष्ट परेड की टुकड़ी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा श्रेष्ठ विभागीय झांकियों को सम्मानित किया। समारोह में राज्यपाल ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और जवानों को भी सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा आदिवासी पर्व सम्मान निधि के तहत आगामी वित्तीय वर्ष से सरकार बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 10,000 रूपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी। वहीं महिला समूहों, महिला उद्यमियों, महिला व्यवसायियों और महिला स्टार्टअप को व्यापार उद्योग स्थापित करने के लिए नवीन योजना शुरू की जाएगी। राज्य में छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही रायपुर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास और रोजगार सृजन के लिए स्वामी विवेकानंद विमानतल के पास एयरो सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, रोजगार और लोगों की आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाई जाएगी। वहीं उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों को संपत्ति कर के भार से मुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने खारू नदी पर उत्कृष्ट रिवर फ्रंट विकसित करने की भी घोषणा की। इसके अलावा प्रदेश में विद्युत शिकायत के निराकरण के लिए आधुनिक ऑनलाइन निराकरण प्रणाली विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिक
के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में लगातार 3 साल पंजीकृत निर्माणीय श्रमिकों को स्वयं का मकान बनाने के लिए 50,000 रूपये अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की एक अन्य घोषणा के अनुसार राज्य में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय रामायण मानस महोत्सव का आयोजन होगा, वहीं चंदखुरी में प्रतिवर्ष मां कौशल्या महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इसी तरह छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत को ने शक्ति और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने कोंडागांव में तिरंगा फहराया। वहीं गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने महासमुंद, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने दुर्ग, वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सूरजपुर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राजनांदगांव जिले में ध्वजारोहण किया। इसके अलावा राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बैकुंठपुर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया ने गरियाबंद, महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने रायगढ़ और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने मुंगेली में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अन्य जिला मुख्यालयों में संसदीय सचिवों ने ध्वजारोहण किया। इधर भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राष्ट्रध्वज फहराया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा फहराया। यह पहली बार है जब छत्तीसगढ़ के किसी नेता ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया है। उधर राज्य के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न शासकीय और गैर शासकीय संस्थानों कार्यालयों के अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी ध्वजारोहण किया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी ने छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर में ध्वजारोहण किया। वहीं अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय सहित सभी मंडलों पर गणतंत्र दिवस मनाया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा एनई इंस्टीट्यूट मैदान पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में महाप्रबंधक आलोक कुमार ने ध्वजारोहण किया। राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने नवा रायपुर स्थित राज्य सूचना आयोग कार्यालय परिसर में ध्वजारोहण किया। उधर दुर्ग जिले में एनसीसी कैडेटों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 21 से 25 जनवरी तक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्र सरकार ने कल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मभूषण पुरस्कारों की घोषणा की। इस बार छत्तीसगढ़ की 3 विभूतियों को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें दुर्ग जिले की उषा बारले को पंडवानी गायन के क्षेत्र में, बालोद जिले के ग्राम लाटाबोर्ड निवासी डोमर सिंह कंवर को नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए और कांकेर जिले के अजय कुमार मंडावी को कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। गायिका उषा बारले ने पद्मश्री सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज उनकी मेहनत सफल हो गई। बोले बहुत खुशी लगे थे, बहुत खुशी लगे थे, बहुत अच्छा लगे थे कि इतने दिन के बाद मोर कम से कम लगातार 2001 से मोर मेहनत जारी है तो आज 2022-23 में मतलब आज मोर सपना साकार हो से ऐसने कलाकार मंडल सीनियर और जूनियर की पहचान करे, बस वही उनका सर जी विनती करता हूँ और पहचान बना के सब कलाकार ला आगे बढ़ावे। आज मैं केंद्र सरकार ला और हमारे राज्य सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ, बहुत बहुत गवर्नमेंट के आभारी हूँ। वहीं नाचा कलाकार डोमा सिंह कंवर ने कहा कि उन्होंने इस कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है।
बहुत अच्छा लग रहा है। इनाम तो सबको अच्छा लगता है। ये इनाम के बाद में मेरा कार्य जारी रहेगा। मैं संदेश भी देता हूँ। नाचा में मेरा एक डाकू गम्मत है, वो लोगों को शिक्षा देने के काम करता है। एक तो ऐसे ऐसे मैं गम्मत करता हूँ जिससे लोग अच्छा कार्य करें, अच्छा रास्ता पकड़ें, अच्छी शिक्षा मिले उन्हें। इन सारी बातों को ध्यान में रख के कार्यक्रम देता हूँ और लोग जो देखते हैं बहुत दिनों तक याद रखते हैं। अजय कुमार मंडावी ने कहा कि वे अपनी कला के माध्यम से सुधार का एक आंदोलन चला रहे हैं। केंद्र सरकार ने पद्मश्री सम्मान 2023 के लिए मुझे चयनित किया है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। मैंने पिछले 15 वर्षों से जिला जेल कांकेर में परिरुद्ध जो बंदी हैं उनके प्रशिक्षण के लिए काम किया और नक्सली मामलों में जेल में थे उनके पुनर्वास के लिए काम किया। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अब इसके आगे मैं समाज के लिए सतत काम करता रहूं और कला के माध्यम से हिंसा को धीरे 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 कम करने की कोशिश करता रहूंगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित छत्तीसगढ़ के 3 विभूतियों को बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए इनके चयन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के कला जगत सहित पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज जगदलपुर में इंडिया गेट की तर्ज पर विकसित की गई अमर वाटिका का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अमर शहीद जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, साथ ही शहीदों के परिजनों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। गौरतलब है कि बस्तर की शांति सुरक्षा और विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और नागरिकों की याद में अमर वाटिका निर्मित की गई है। अमर वाटिका में करीब 60 फीट ऊंचा शहीद स्मारक बनाया गया है। शहीद स्मारक के पास एक काले ग्रेनाइट की दीवार में माओवादी मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों के नाम लिखे गए हैं। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण कल 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा के लिए 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। श्री प्रधान ने कहा कि इस वर्ष पंजीकृत विद्यार्थियों में से लगभग 16 लाख देश भर के राज्य बोर्ड के हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं की सालाना शुल्क निर्धारित कर दिया है। शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल के विद्यार्थियों को 410 रूपये और हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों को शुल्क के रूप में 445 रूपये सालाना देना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में पहली से 8वीं तक की शिक्षा निःशुल्क है। आज बसंत पंचमी है। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में बसंत पंचमी धार्मिक श्रद्धा आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। माघ शुक्ल पंचमी का यह दिन ज्ञान विवेक संपूर्ण कलाओं तथा काव्य और संगीत की देवी मां सरस्वती की उपासना का दिन है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस अवसर पर बच्चों का विद्या आरंभ कराने की परंपरा है। शैक्षणिक संस्थानों के अलावा घरों में भी लोगों ने मां सरस्वती का पीले फूलों से श्रृंगार कर उनकी विशेष पूजा अर्चना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्र 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता का शानदार प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल ने रायपुर में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में फहराया तिरंगा। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष से बेरोजगारों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ की उषा बारले, डोमर सिंह कंवर और अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया जाएगा और परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण कल 27 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।